गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिलीज, और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो यहाँ पे मेरी मम्मा जो है कच्चे आम की कटकी मतलब पिकल बना रही है, जिसे साउथ गुजरात में बोला जाता है कटकी। यह इंस्टेंट पिकल है। अगर आपके पास ये दो चीज़ें हैं तो आप तुरंत ही अचार बना सकते हो, उसको काट के, और जो अचार का मसाला रहता है वो डाल के और तेल डाल के इंस्टेंट बना सकते हो ये अचार। तो ये सुबह का जो है मॉर्निंग रूटीन, एक तरफ दाल और चावल बन रहे हैं, सब्जी रोटी हो गई है, तो एक जो है कच्ची आम रखी थी। और आम अभी जो है समर का सीज़न, तो हम दाल में यही डालते हैं, नींबू का ज़्यादातर यूज़ नहीं करते दाल में। तो यहाँ पे है रामदेव का आचारी मसाला, रामदेव का है, बहुत अच्छा आता है ये। तो आप ये अचार का मसाला, या फिर आपके पास दूसरा अचार मसाला हो तो वो आप डाल सकते हो, और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। दाल चावल में तो बहुत ही मस्त लगता है। थोड़ी सी है आपकी सब्जी या फिर दाल जो है हल्की सी तीखी या फीकी हो गई हो, तो ये जो है पिकल बहुत आपका जो है माउथ फ्रेश कर देगा। और यहाँ साउथ गुजरात में आपको खाने को मिलेगी ही मिलेगी, बस इसमें आचारी मसाला डाल दीजिए और जो है जिस हिसाब से आपने आम ली है उसी हिसाब से डालिएगा अचार और ऑयल, बस। तो ये रेडी है खाने के लिए। तो यहाँ पे हो गई है रात और मैं बना रही हूँ वेजिटेबल पुलाव। यहाँ पे है मिस्टर बच्चन का लोगो वाला दावत का पैकेट, जो फ़िलहाल ख़त्म हो गया है, और मैंने यहाँ पे रख दिया है चावल उबालने के लिए। ढक्का नहीं है, प्रेशर कुकर का ही यूज़ किया है, क्योंकि बाद में मैं यूज़ करूँगी जो है पोटैटो बॉईल करने के लिए। तो मैंने सेम ही ये बर्तन लिया है ताकि ज़्यादा बर्तन बिगाड़ने ना पड़े। तो उसमें मैंने डाला था थोड़ा नमक, और यहाँ पे मैंने जो है ये कैप्सिकम, फिर टमेटो और एक ओनियन काट के रख दिया है, और थोड़ा सा मटर। आलू अभी कच्चा है, उसको ये हो जाएगा चावल, उसके बाद मैं बॉईल कर दूँगी। तो उसके बाद था एवरेस्ट का शाही बिरयानी मसाला। यहाँ पे करीब करीब हो गया है चावल मेरा ये अभी मैं एक निकाल रही हूँ हॉल वाला जो रहता है, आपके पास कोई भी बर्तन उसमें से पानी ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। और यहाँ पे सेम ही प्रेशर कुकर में मैं डाल रही हूँ बॉईल करने के लिए पटेटो। और यहाँ पे जो ये राइस का जो पानी निकला है वो आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी आपके पास जो पौधा हो तुलसी के अलावा आप किसी भी पौधे में डाल सकते हो। यहाँ पे चावल जो है पक गए थे, और मैंने उसमें एक दो चम्मच तेल डाल दिया था ताकि जो है वो आपस में चिपके नहीं और खुले खुले रहे। और एक कढ़ाई ले ली है मैंने, इसके अंदर डाल दिया है तेल। पहले मैंने डाल दिया मटर, क्योंकि मटर जो है जब हम सारी सब्जी जो है डालते हैं तभी अच्छे से पकते नहीं, तो मैंने पहले से उसको तेल में हल्के से फ्राई कर दी और बाद में निकाल दिए। अभी जो है मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जीरा। और जो है कैप्सिकम। ये वेजिटेबल पुलाव मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब तुरंत ही बन जाते हैं, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है इसमें। तो इसके अंदर जो है आपके पास जो भी सब्जी अवेलेबल हो वो आप इसमें डाल सकते हो, और जो आपको पसंद हो वो भी डाल सकते हो, जो ना पसंद हो वो अवॉइड कर सकते हो। तो कांदा भी इसके अंदर अभी डाल दिया है। तो
बाद में डाल दिया मटर, ताकि तो जो कचे रहे हो वो भी इसके अंदर इस दौरान पक जाए। और फिर डाल दिए टमाटर, ये सब लंबी लंबी काटने हैं ताकि खाते समय जो है इसका मस्त अच्छा सा टेस्ट आए। तो अभी सारी सब्जियां जो है हमारी पक गई है, और जो है जो पहले से हम इसमें डाल रही हूँ मैं मिर्च पाउडर और हल्दी, इससे जो है कलर जो बहुत अच्छा आ जाता है। और उससे भी ज़्यादा आपको कलर चाहिए तो आप डाल सकते हो फूड कलर, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं। इसके अंदर मैंने बॉईल किए हुए जो पोटैटो थे वो भी डाल दिए हैं सब्जी में, थोड़ी देर के लिए मैंने उसको मिक्स किया था, उसके बाद चावल डाले हैं ताकि जो है मसाले का स्वाद भी उसके अंदर आ जाए आलू में। तो ये जो है हमारी वेजिटेबल पुलाव जो है रेडी हो गया है, अभी निकाल रही हूँ मैं सर्विंग बाउल में। दोस्तों मेरे पास देखो अभी जो है वो स्टैंड लंबा वाला नहीं है, तो मैं कुछ आपको पोर्शन दिखा सकती हूँ, कुछ नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि जो है एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़ती हूँ और दूसरे हाथ से जो है वर्क करती हूँ, तो इसलिए थोड़ा छूट जाता है। तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर कीजिएगा। ये मैंने लिया है छाछ, और जो पिकल आपको बताया था वो लिया है, फिर कांदा और पापड़। और मैं ये डिश मेरी तैयार करके जा रही हूँ ऊपर बालकनी में, क्योंकि ऊपर जो है ठंडी ठंडी हवा आती है और पंखा भी हमने चालू करके रखा था, और रूम में जो है रेडियो बहुत ही एकदम मस्त वातावरण हो जाता है खाने का, जो है थोड़ा और ज़्यादा खा लेते हैं मज़ा आ जाता है। ये मेरे पापा खा रहे हैं अभी। खाना यहाँ पे ख़त्म हो गया, मैंने खा लिया, मेरे पापा ने भी खा लिया और जैनम ने भी खा लिया। हम तीनों ने आज ऊपर बालकनी में खाना खाया, हवा बहुत अच्छी आ रही थी और पंखा भी थोड़ा चला लिया था, और रूम में जो है रेडियो भी थोड़ा चला रखा था, जो इससे जो है एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा बन गया था। और पापड़ जो हमने जो रोस्टेड किए थे वो हम अभी तो खाना ख़त्म करें उससे पहले ही जैसे रोटी बन गए थे पूरे पापड़ क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर ही ऐसा है, यहाँ में भेज का जो है बेटा वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे भेज। देखो इतनी गर्मी है, मई का जो है महीना है, फिर भी जो है ये पापड़ की ऐसी हालत होती है, तो आप सोच सकते हो कि मॉनसून में क्या होती होगी। तो आपको मेरा ये आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग जो है कमेंट करते ही नहीं हो। क्यों आपको अच्छे नहीं लगते क्या मेरे वीडियो, और ना अच्छे लगते हो कुछ सजेस्ट करना रहता है तो फिर तो भी आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हो, और अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो आप तो सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।